थाने से सटे भिवंडी के देवीनगर इलाके के पाटिल कंपाउंड के कारखाने में कारखाना चलाने वाले दो लोगों के ऊपर मोबाइल छीनने आए चोरों का जोरदार हमला। हम आपको बता दें कि कारखाना चलाने वाला युवक और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तकरीबन शाम के 5:11 की है। यह पूरी घटना कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आए हुए चोरों के हाथों जब कुछ नहीं लगा तो वहां के दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर तीनों लोग फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही कारखाने के मालिक रोहन पाटिल द्वारा गंभीर रूप से घायल ब्रजेश विश्वकर्मा को भिवंडी के सरकारी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया। गंभीर रूप से घायल का नाम ब्रजेश विश्वकर्मा है, उम्र 26 साल है। पिता का नाम राधेश्याम विश्वकर्मा, जिनकी उम्र 60 वर्ष है। मोबाइल छीनने आए चोरों ने दोनों की जान से मारने की कोशिश की। यह घटना कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं इन इलाके में होती रहती है। उस परिवार के रहने वाले लोगों में आए दिन ऐसी घटनाओं को देखने के बाद उन लोगों ने भय का माहौल बन गया है। वही इन घटनाओं को जब हमने कारखाने के मालिक से बात की तो उनका कहना था कि भिवंडी के देवजनगर से लेकर नरपोली गांव तक चोरी लूटमार की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। आए दिन घटनाएं होती रहती है। मेरी पुलिस प्रशासन से बस एक ही मांग है, इस घटना पर जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द पकड़कर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना की जानकारी मिलते ही नरपोली पुलिस ने मामले को दर्ज कर गंभीर जांच में जुट गई है। गंभीर रूप से ब्रजेश विश्वकर्मा कारखाने के मालिक रोहन पाटिल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इस खास खबर में आशीष राजभर की यह खास रिपोर्ट। आपका और जो आपके साथ मारपीट हुआ है, कितने लोग थे और कितने बजे घटना हुई पूरी? विश्वकर्मा वो लोग तीन लोग थे, 5 मारे वो लोग हमें, मोबाइल छीन रहे थे लोग। हाँ, मैंने नहीं दिया तो लोग कारखाने में भी मारे हैं। मोबाइल छीन रहे थे आपसे? हाँ, डग्गर से मारे हैं। कितने लोग थे तकरीबन? तीन लोग थे। किसी को पहचानते हैं उसमें से? नमस्कार, मैं रोहन कैलास पाटिल, राणा नारपोली। सुमारा संध्याकाळी 5 नारपोली गावात पाटिल कंपाउंड इथे माझा कारखाना आहे। त्या कारखान्यामध्ये संध्याकाळी 5 तिघ जण आले। माझ्या एका कारागिराला चांगली मारहाण झाली। त्या मारहाणमध्ये एका कारागीर माझा जखमी आहे। तर पोलीस प्रशासनाकडे एकच मागणी आहे की त्यांनी याच्यावरती दखल घ्यावी।